आप इतने सालों से उनको सांसद बनाया, आपने अब तक नहीं देखा उनको? जी नहीं देखा, आते नहीं तो देखेंगे कहाँ से। ऊपर का जो नेता जी है, जो नरेंद्र मोदी है, उनको देख के आदमी वोट देता था। मैं कि अब की बार कुशवाहा जी यहाँ परिवर्तन देने, अब जो आगे काम करी ओकरे ने वोट कर। यही पहले दिया हमी के जे देखले सुनले रास्ता बस से करे के चाहिए। राधा मोहन सुने नहीं के मन जे के रखे थे, जेने देखे थे तेने अनारे लोग कोई मजदूर लोग तब न दे। ये पंचायत के मुखिया के भाई राम बहादुर प्रसाद, उनका भाई हवन आई है। ये फोन पैसा पर यहाँ राधा मोहन सिंह के तो लाए ये चौक पर है का ये है पड़ेगा। मैं हुआ है कि यहाँ बीजेपी है, मतलब थोड़ा बहुत विकास किया है जो चाहिए, अगर मोतिहारी को ऐसा विकास नहीं किया है। अब नहीं उठे सीधी सी बात है, हम लोग हैं बट केंद्र में कभी भी मोदी चाहिए। जी काम नहीं कर रहे हैं ना, नहीं कभी नहीं मिलते हैं ना हो। जी नहीं, हम लोग को किसान है तो नहीं। डॉक्टर राजेश कुशवाहा को छोड़ के बाकी कोई कैंडिडेट आगे नहीं निकल सकता है, उनकी जीत मैंने सुनिश्चित ही है। नहीं नहीं, अभी पूरी जनता जितने बैकवर्ड समाज हो या फॉरवर्ड समाज हो, सारे मिल करके एकजुट हो गए हैं कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी को मोतिहारी का सांसद बनाना है। हमने कहा बदलाव करे के बा, पुराने के हटावे के बा। काम हमने कहा खेती बाड़ी को। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ वंदना। न्यूज़ फाउंडेशन की टीम जो है मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र पहुंची हुई है। जैसा कि बिहार के 40 लोकसभा सीट महत्वपूर्ण है, उसमें से मोतिहारी लोकसभा सीट जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है इस मायने में, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं अधिकतर कृषि पर ही निर्धारित हैं। ऐसे में वर्तमान में देखा जाए तो बीजेपी के सांसद राधा मोहन सिंह हैं और प्रत्याशी के तौर पर भी चुनावी मैदान में हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन की ओर से, वीआईपी पार्टी की ओर से जो है डॉक्टर राजेश कुशवाहा चुनावी मैदान में हैं। और मोतिहारी के ग्रामीण क्षेत्र में हम पहुंच गए हैं, यहाँ के ग्रामीण लोगों से जानेंगे कि क्या आप लोग बदलाव चाहते हैं या फिर मोतिहारी जो जैसा पहले के सांसद हैं या उन्हीं को आप लोग सुन रहे हैं। तो चलिए एक एक करके लोगों से राय जान। कितने साल से आप चला रहे, बहुत तेजी में आप सिलाई कर रहे हैं। जी 15 साल से सिलाई कर रहे हैं। 15 साल से कर रहे हैं जी, सब सिलाई करते हैं। हाँ। अच्छा, क्या भी मोतिहारी का लहर है? वही है, बदलाव का माहौल है। बदलाव का माहौल है जी। क्यों राधा मोहन सिंह ने काम नहीं किया? बहुत दिन से हैं लेकिन काम नहीं करते हैं। कोई काम नहीं है आप लोग? कोई काम नहीं है। प्रत्याशी के तौर पर कैसा है राधा मोहन सिंह हो या फिर राजेश कुशवाहा जी? ठीक है, वो अच्छे हैं। वो तो कभी आए भी नहीं करते हैं राधा मोहन सिंह घूमने, कभी नहीं मिले, हम लोग देखे भी नहीं हैं। आप कितने सालों से उनको सांसद बनाए, आपने अब तक नहीं देखा उनको? जी नहीं देखे, आते नहीं तो देखेंगे कहाँ से। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले, यहीं के रहने वाले हैं। कितने सालों से आप दुकान चला रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से चला रहे हैं। क्या लग रहा है अभी मोतिहारी के, क्या माहौल है? माहौल डॉक्टर राजेश कुशवाहा के पक्ष में है। बदलाव आप लोग? बदलाव विकास के लिए। अब तक क्या विकास नहीं हुआ? ना, नहीं हुआ है। आप लोगों ने तो 5 बार सांसद बनाने का काम किया, बनाए हैं, बनाए हैं, ना काम नहीं हुआ है। जी का लगी थी लहर अभी मोतिहारी के? अब की बार मोतिहारी में परिवर्तन का लहर लग रहा है। परिवर्तन आप लोग जी रहे हैं। लेडीज का परछाप क्या काम नहीं किए हैं क्या? काम तो जी नहीं, नहीं काम नहीं किए हैं, कुछ काम नहीं। फिर भी आप लोगों ने बार बार सांसद जी, तो ऊपर का जो नेता जी है, जो नरेंद्र मोदी है, उनको देख के आदमी वोट देता था। मैं कि अब की बार कुशवाहा जी यहाँ है, परिवर्तन देना है, जरूरी है जी। युवा चेहरा है। हाँ हाँ। प्रत्याशी के तौर पर कैसा है? अच्छा है, डॉक्टर है, गरीब को कुछ मदद करते हैं, बस यही चाहिए ना हम लोग को। अच्छा। जी काम चाहिए। हाँ। या काम करे या ना करे। हाँ। गरीब को कोई कल्याण कर रहा है, मदद कर रहा है। अगर 100 रुपया का आप किसी को मदद कर रहे हैं तो वही अच्छा है ना। क्या ये तो हम घूमत नहीं खी, तो हम नहीं खी जाने। वोट तो देवा हुए बना। हाँ, जे सबको भी दी से हम होते हैं। ना बदले का चाहा था लोग। हाँ 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 कितने
के जो ग्रामीण इलाके के अभी जो लोग अभी भी लोग हैं वो बहुत ही नेक रहते हैं और सीधे साधे होते हैं। जरा सा कुछ है। भाई जी क्या नाम हुआ? जाटा सा। क्या काम करते हैं? अच्छा, अरे मछली वछली बेचते हैं। मछली बेचते हैं, कमाई हो जाए बढ़िया ओकरा से? ना कथी कमाई होगा, 300-400। ये क्या तुम घर में? घर में तो खर्चा हुई मोटा मोटी 5 गुड़ा वो कहिए बात, 3 गुड़ा हम 8 आदमी के खर्चा। 8 आदमी के चल जाए मछली से? ना चला ले वही में गुजर सफर, गरीब आदमी केहू न के काटिए ले। मछली पालन के लिए भी कोई मोतिहारी में होली है काम? ना नहीं, ना कुछ होले है। जैसे मोतिहारी में सिर्फ गांधी जी और भगवान राम या माता सीता के ही नाम से ना जाना जाए, यहाँ किसानों के नाम से भी जाना जाए मोतिहारी, तो कुछ काम होले है? ना नहीं हुए। अच्छा, वर्तमान में जो भी सांसद है यहाँ के राधा मोहन सिंह, वो कैसा प्रत्याशी है? ठीक काम है, किया ठीक है आप लोगों के लिए? ठीक काम तो हमारा पंचायत में तो काम कुछ नहीं के वेलू कर से। तो फिर अभी कहीं तक ही अच्छा प्रत्याशी है ना, फिर कहीं तक ही काम ही न हो लगे तो हमारा पंचायत में काम कहाँ? वोट देवे ना है अब जे आगे काम करी ओकरे ने वोट पड़ी तो वोट देवे है? वोट देवा है बना दियाई पहले दियाल बा तो हम करे के अभी बदलाव चाहिए था कि उहे हती उहे रहता थी। अब एक गो हमरा काला से थोड़ी हो जाएगा, पूरे जनता देगा उसी जगह देंगे। अच्छा आप क्या चाहते हैं यहाँ, बदलाव चाहते हैं कि सेम चाहते हैं? हमने के जे देखले सुनले रास्ता बस से करे के चाहिए के करा जैसे में राधा मोहन सिंह का है। क्यों राधा मोहन सिंह को आप सुन रहे हैं? काम हम कुछ कराए हैं। क्या काम आपके लिए किए? अरे किए हैं जो 2000 रुपया भी भेज देते हैं, चाहे और काम के लिए जाते हैं तो कर देते हैं। अच्छा हमरा बैठे दे, तो बड़ा इंटरेस्टिंग बात बतल कि 2000 भेज देते हैं। अरे तो 2000 अब बंद हो गई, अब तो तोरा 2000 ना तो 500 ही दे देते हैं। 500 ही दे देते हैं? हाँ। 500 पर तो बिक जा है। 500 पर बिक नहीं रहे हैं, 2000 रुपया देते हैं, चाहे कोनो काम के लिए जाते हैं तो हम लोग को कर देते हैं, बस इतने बात है। काम कर दे? हाँ हाँ कर दे। उनका बारे में सुनी थी इनकी ना काम कर लेते ना, हम लोग के हुआ है और जिसके नहीं हुआ है वो कहेगा नहीं हुआ है, हम लोग के करे हैं। कैसे नेता मानी थी? नेता तो वो ठीक है, लेकिन नए हैं हम लोग से नहीं मुलाकात हुआ है नहीं उनको पहचानते हैं तो हम कैसे जाने हैं? जिसको जानते हैं जब मिले आएंगे तो आप उनको। हाँ जब जानेंगे हमसे भेंट करेंगे हम लोग को जानेंगे चाहे हम पहचाने हैं। हाँ अब लेकिन अभी तो मूड बना ले है कि जे हथिनु है हमनी के माने पूरा पुरानके आदमी के रास्ता देख ले बाद में, नया आदमी हमनी से भेंट नहीं हुआ है नहीं जानते हैं। भाई जी आ जाइए, युवा है जब उनको जानेंगे, अभी बहुत जरूरत है देश में उनको जानते हैं, हम चिन्ह परिचय होगा तब ना हम पहचानेंगे जो कैसा नेता है। नहीं ले आए थे तो उनका से 500 ना मांगवा हूं, हम पैसा थोड़े मांगते हैं। माने हम लोग को विकास चाहिए, हम लोग को काम, हमारा काम मिल जाएगा, हम लोग को काम देते हैं चाहे वो उनसे परिचित होगा तब ना हम करेंगे। बड़ी लोग कही थी कि राधा मोहन सिंह के कुछ जावर न हथिन, अब जेकरा नहीं परिचित है हम लोग का परिचित है उनसे परिचित। हाँ आई हम नेता खड़ा हुआ है नहीं परिचित है नहीं हम जानते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? नाम तो है महेंद्र प्रसाद। कितना उम्र हो लो होते? ये 65 हो गए लो, बड़ी बार वोट दिले हो, बड़ी बड़ी नेता के जीतेल हूँ वोट दे दे के। अबरी के बार लहर है मोतिहारी में? अबरी तो मने नहीं के मने जे केकरा के दी, जेने देखे थे तेने नारे लो कोई था मजूर लोग ही तब न दे काहे काहे कोई आई नेता बन के सोचता धार के आई हमने से वोटवा घट ले ले ली चल जाइए अपना बाल बच्चा के सेवा करे। वो कहते के का हुई जबकि प्रजा के ना सेवा हुई उनका कहे के कुछ कहे चाहे कुछ उनका लगा हमारा झूठ बोले के नहीं के। हाँ तो झूठ ना बोल रहे थे क्या? क्या किया है ना आज तक? आज तक क्या किया है गुड़वान ने? हम आपसे पूछना चाहते हैं, उन्हीं से पूछिए राधा मोहन से जी क्या किया है। नेता के तौर पर बहुत अच्छा मान रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम। वो पगला है बोलने का कुछ और बोलता है कुछ। नेता बढ़िया नहीं है वो? नहीं वैसा नहीं नहीं वैसा नेता ना चाहिए। आप लोग के लिए काम नहीं किए? नहीं नहीं क्या काम किए हैं? तो बदलाव आप लोग चाहते हैं? हाँ बदलाव होगा, इस बार बदलाव चाहते हैं। क्या नाम हुआ भाई? हाँ मौसम में ना बोली होने वाला नहीं ना बोला है हमारा वोटर लिस्ट में नाम बना हम वोट दिले हम का तू नागरिक ना देश के
बिहार के रहे होला ना काहे तो ना होई सरकार कोनो जीता था तो अपन पेट खज गवा था एगो मतियारी चीनी मिल रहे तो सारा सरकार मिल के खा के आए मौका नेता के देके काओ क्या क्या चाचा आज तक जो चीनी मिल दसा वो किसान का पैर ना है जिंदगी है आज तक नहीं देखा कोई बकाया आप लोगों को मिला नहीं मिला 80,000 रुपया एक और किसान ये कह रहे हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छे वो तो क्या जानता है पेट भर गया उसका काम चल गया तब हम लोग को तो कंगाल कर दिया ये पंचायत के मुखिया के भाई राम बहादुर प्रसाद उनकर भाई हवन आई यहाँ ये वोट पैसा पर यहाँ राधा मोहन सिंह के तौल आयल बा ये चौक पर हाँ का ये परिवार लोग आप ही लोग नेता बनाए हाँ लेकिन आज मोतिहारी का दुर्दशा नहीं कुछ कुछ नहीं हूँ वैसे वैसे रोज सिरे में छिटाता होगा वैसा नेता नहीं चाहिए तब तो आप लोगों को बहुत पैसा खर्चा करना पड़ा होगा उस वक्त आप निकाल भैया ने जैसा बताया आज तक जो मिल पैसा रख लिया आज तक पूछने का है कि जहाँ मिल दिया कि नहीं दिया कोई जनता से पूछा नहीं पूछा वोट भाई उतार इच्छा अनुसार जेकरा के हम मन करी ओकरा के दिया है मतलब उनका से बात कर ले बदलाव चाहते हैं आप लोग शर्म बका एक आदमी का बाद अल्लाह से थोड़े हो गया महाराज फोटो का देखो बात यही होना है क्या लग रहा है बदलाव चाहिए मोतिहारी में कि सेम वही आप लोग सुन रहे हैं देखिए बदलाव चाहिए सीधी सी बात है यूथ आ रहा है तो बदलाव चाहिए की है देखिए जिस तरह है कि 25 साल से मतलब कि मतलब सुने हुए हैं कि यहाँ बीजेपी है तो मतलब थोड़ा बहुत विकास किया है जो चाहिए अगर मोतिहारी को ऐसा विकास नहीं किया है अब नहीं यूथ है सीधी सी बात है हम लोग हैं बट केंद्र में कभी भी मोदी चाहिए यहाँ पे जो है बिहार में अपने मोतिहारी में सीएम चाहिए तो देखते हैं अभी नया डायरेक्टर रजत कुशवाहा तो उनके लिए आदमी है कि हाँ सोचा हुआ है कि मतलब इतने साल से जो प्रमोद विधायक नहीं काम किया है मतलब 5-10 साल जो भी मतलब पहले से हैं तो नहीं काम किए हैं तो आदमी सोचा है कि हाँ अब की बार मतलब एक नए नेता को निकाल के देखते हैं अगर सीधी सी बात है वो पार्टी अगर काम करता है तो सीधी सी बात है उसको फिर से वोट मिलेगा अगर नहीं काम करता तो फिर से जनता फिर अपना रूट बदल लेगा सीधी सी बात है आप लोग युवा के नाते क्या नहीं इतने साल से हम लोग देखिए बीजेपी पे हम भी बीजेपी से हैं मतलब हम सपोर्ट करते हैं यहाँ बीजेपी की तरफ से बट अपने मोतिहारी में जिस तरह देख रहे हैं कोई काम नहीं हुआ है थोड़ा बहुत हुआ है तो उसको नहीं माना जाएगा मतलब जिस तरह आप लोग भी देखे हुए मोतिहारी में है हाँ मेरा उम्र 22 साल है बट जो विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ है रोटी कपड़ा मकान ये तीन में कौन चीज दिए है रोटी कपड़ा मकान कौन चीज दिए भैया की 2,000 रुपया देते हैं किसान वाला 2,000 रुपया देते हैं किसान वाला उसे पेट चल जाएगा डायरेक्ट मोदी से आता है इधर से थोड़ी ना आता है वो डायरेक्ट ऊपर से आता है जो किसान योजना आता है वो डायरेक्ट पीएम की तरफ से आता है ना कि सीएम की तरफ से आता है ना ही संसद की तरफ से आता है तो सीधी सी बात है केंद्र में हमको बीजेपी चाहिए हाँ तो ठीक है वो लोग जवाब देते हैं हम लोग चिन्हते वो बात नहीं किए हैं जो चिन्हे नहीं है हम नेता का चिन्हेंगे तब ना बात करेंगे हम नहीं जानते हैं नहीं चिन्हते हैं लगे थे मोतिहारी में बदलाव चाहिए था किसे हाँ बदलाव चाहिए हाँ क्या काम नहीं किए क्या ना काम नहीं किए हैं कोई काम ना कर कोई काम नहीं कोई काम नहीं कोई काम नहीं है हम लोग बदल गए लेकिन वो नहीं बदला जी भैया आ रहे हैं एक मिनट चाहिए बचपन से लेकर आज तक दांत है बबू सारा झर गया उन्हीं को देते देते लेकिन वो नहीं बदले वो राधा मोहन का राधे मोहन रह गए हाँ तो हम लोग उनको क्या जानते हैं जो कैसा है क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं वो जीत जाते हैं अलग राज करते हैं अपने घर पर आनंद में कभी नहीं आप लोग से मिलने आए कभी नहीं अगर कोई कह दे इतना जनता में कि जहाँ कभी आकर वो भेंट आप कभी देखे हैं राधा मोहन सिंह को ना नहीं देखे नहीं हम नहीं देखे आप भाई जी महाराज उधर दिल्ली रहा लोग तो यहाँ कहाँ से भेंट हुई सब लोग आप मिले हैं हम मिले हैं हम मिले हैं और सब पूछ लेते हैं यहाँ के वर्तमान सांसद से मिले हैं बाबू आप मिले नहीं हमारा घर दूसरे
मिले हैं? नहीं नहीं मिले हैं। आप सांसद से मिले हैं अपने सांसद से? आप से नहीं मिले हैं, नहीं मिले। क्या बदलाव आप लोग चाह रहे हैं किसे? नहीं, मोदी जी ही चाहिए केंद्र में। हाँ, मोदी ही चाहिए। काम कैसा कर रहे हैं आपके सांसद महोदय? सांसद महोदय के बारे में कैसे काम करी था तुम तो सांसद यहाँ के? जी ठीक कर रहे हैं मोदी जी। जी अच्छा है मोदी जी। राधा मोहन सिंह के जाना हूँ जी। काम नहीं कर रहे हैं ना? नहीं कर रहे कभी है? नहीं मिलते हैं। पैर में चप्पल ना हो, जरित ना हो जी। नहीं, हम लोग को किसान है तो नहीं नहीं जरेगा। बाकी काम मिलते नहीं, कहाँ जानता से मिलते अच्छा हैं। तो किसान किसान के लिए यहाँ गन्ना का एक जो उद्योग, मतलब कहा जाए कि उद्योग भी उसको था, वो किसान के लिए धरोहर था, वो बहुत कुछ था। चीनी मिल जो था यहाँ वो बंद हो गया जी। और किसानों का भी जो लागत था वो भी नहीं मिल पाया जी। नहीं मिला। क्या लग रहा है अब जी? नहीं मिल चलता है, किसान की तबाही है। तो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं कि सेम चाह रहे हैं? यहाँ तो लोग चाह रहा है बदलाव, बदलाव चाह रहा है। कुछ और लोग से जानेंगे क्या भाई जी? यहाँ बदलाव चाहिए जी मैडम, एकदम बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए जी, एकदम जरूरी है बदलाव। वर्तमान में सांसद आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किए हैं? कुछ नहीं। यहाँ का मुख्य मुद्दा किसान का था, जो कि इंडिया में रह करके कृषि मंत्री थे माननीय सांसद राधा मोहन सिंह जी। लेकिन यहाँ का एक छोटा सा काम जो चीनी मिल का था, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 19 में आए हुए थे, वो बोल करके गए थे कि मैं आऊँगा यहाँ का चीनी मिल चालू करके यहाँ से चाय पी करके जाएंगे। लेकिन वो भी पूरा नहीं हुआ। कृषि मंत्री रहते हुए भी यहाँ का काम पूरा नहीं हो पाया। तो बदलाव चाहिए, मुख्य मुद्दा किसान का है, मुख्य मुद्दा किसान का है। इस चंपारण में 25 साल, मतलब हम लोग के जन्म से पहले से, 22-23 साल का उम्र है हम लोग का, जन्म से पहले से माननीय सांसद राधामोहन सिंह जी हैं। लेकिन यहाँ बदलाव एकदम जरूरी है। क्या आप चाहते हैं? मैं बदलाव चाहते हैं हम लोग। बहुत साल आप लोगों ने मौका दिया, काम कुछ नहीं हुआ क्या? कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ से अगर जीत के जाते हैं तो कभी भेंट मुलाकात कुछ नहीं करते हैं। ठीक है डॉक्टर राजेश कुशवाहा को प्रत्याशी के तौर पर कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, स्वच्छ, बढ़िया जी। अभी तक दाग नहीं है जी। अगर वो आपके सांसद नहीं बनते हैं तो उनको भी देखेंगे 5 साल। अच्छा काम किए तो है, नहीं तो फिर चेंज होगा। सत्ता और पत्ता बदलना चाहिए जी। आप इनकी बातों से सहमत हैं? सहमत है। डॉक्टर राजेश कुशवाहा को प्रत्याशी के तौर पर कैसा कैसा? ठीक ठीक है। अच्छा राजेश कुमार कुशवाहा है ना? डॉक्टर राजेश कुशवाहा। कुछ नहीं करना डॉक्टर राजेश कुशवाहा? डॉक्टर राजेश कुशवाहा को छोड़ के बाकी कोई कैंडिडेट आगे नहीं निकल सकता है। उनकी जीत मैंने सुनिश्चित ही है। और पूरे बैकवर्ड क्लास से लेके पूरे कुशवाहा समाज और सहनी समाज सारा उन्हीं के साथ है। अभी अभी फुल सपोर्ट में हम लोग उनके साथ हैं। वोट से हो, पैसा से हो, अपने अगर जान जी जान से जाते हैं, मैंने जो जरूरत पड़ जाए वो हम लोग उनको देने के लिए तैयार हैं। उनको हमने कुछ पढ़े लिखे लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की और आप भी उसी कैटेगरी में आते हैं, तो पढ़े लिखे होने के नाते क्या आप सोच रहे हैं इस बार मोतिहारी में? क्या आपने 25 साल जिनको वर्तमान में भी सांसद बनाए हुए हैं वो काम नहीं किए, या फिर आप उनके उनको जैसे कुछ ऐसा चीज को लेकर के बदलाव चाहते हैं या फिर कुछ और सोच रहे हैं? 25 साल में तो उन्होंने मोतिहारी के लिए कुछ नहीं किया है। जो एक चीनी मिल था उसको भी बेच डाला ये लोग, और कृषि मंत्री रहते हुए भी एक भी मैंने ढेकहा के लिए कहीं कुछ नहीं किया है। वो लोग कोई काम नहीं किया ढेकहा के लिए, और एक ईंट का सोलिंग तक भी कहीं नहीं कुछ मैंने हमारे यहाँ कुछ किए उनके द्वारा हुआ है। मोतिहारी लोकसभा में राधामोहन सिंह के विगत 25 वर्षों के कार्य को देखते हुए पूरे समाज के लोग उनका विरोध कर रहा है। 25 वर्षों में उन्होंने एक भी किसान के लिए, कोई डॉक्टर के लिए, कोई व्यवसाय के लिए या गरीब जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। सबसे फर्स्ट मुद्दा है मोतिहारी चीनी मिल। उन्होंने चीनी मिल को अपने कमीशन के लिए बंद करवा दिया। बंद तो करवा ही दिया,
उसके बाद में चीनी मिल का जमीन भी उन्होंने रजिस्टर करवा लिया और कृषि मंत्री 5 साल रहते हुए मोतिहारी में किसान के लिए एक भी मंडी नहीं खुलवाया और एक छतौनी राजघाट पर उन्होंने रेडियो स्टेशन का शिलान्यास किया, उसको भी चालू उन्होंने नहीं करवाया और कभी जनता के बीच 25 वर्षों में आने का काम नहीं किया। आज भी किसी क्षेत्र में वो नहीं जा रहे हैं, प्रणाम करना तो दूर की बात है, बस चार गो उनके रखे हुए हैं दलाल चमचा जो भेज देते हैं क्षेत्र में, पैसा बांटते हैं और चार आदमी को घुमाने का काम करते हैं, यही काम है उनका। तो क्या आप लोग के जैसे लोग जो हैं वो पैसे के लालच में आ जाते हैं? नहीं नहीं, अभी पूरी जनता जितने बैकवर्ड समाज हो या फॉरवर्ड समाज हो सारे मिल करके एकजुट हो गए हैं कि डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी को मोतिहारी का सांसद बनाना है इस बार। हर हाल में पानी पी करके या भूखे रह करके हर जनता से रूबरू होकर के भेंट करके अपील करके डॉक्टर राजेश कुशवाहा को महागठबंधन से जिनका चुनाव चिन्ह है लेडीज पर छाप उन पर मुहर दबा करके उनको यहां से मोतिहारी लोकसभा से जिता करके दिल्ली सांसद भेजाना है। वो इंटरव्यू में कोई लाभ हम लोगों को नहीं मिला तो हम लोग अपना से बिजनेस व्यवसाय कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। हाँ अच्छा, यहाँ जो ढेका ये जो क्षेत्र है जी मुख्य रूप से किस पर आधारित है आप? यहाँ VIP पार्टी, मुकेश सहनी टिकट दिए डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी को, उस उन्हीं को हम लोग वोट देंगे, दूसरे किसी को वोट नहीं देंगे। जी नहीं, उनकी बदलाव है तो बदलाव है, वो अच्छा सरकार नहीं है, उनको हम लोग वोट नहीं देंगे, नया सरकार बनाएंगे। आप लोग अब बदलाव चाहते हैं? जी क्या चाहते हैं आप भाई जी? बदलाव चाहते हैं, राधा मोहन सिंह को हटाना चाहते हैं और राजेश कुशवाहा को लाना चाहते हैं। हाँ। क्योंकि राधा मोहन सिंह ने 25 वर्षों में मोतिहारी के लिए कुछ किया नहीं। मोदी जी भी आए थे तो बोल के गए कि मोतिहारी चीनी मिल के चीनी का चाय पी कर जाएंगे। हाँ। फिर दोबारा आए, अब उसके डर से मोतिहारी में नहीं आ रहे हैं मोदी जी, अब जाएंगे तो क्या जवाब देंगे, इसलिए नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग हमेशा सदियों से उन्हीं को जिताते हैं, उन्हीं को सांसद बनाते हैं और काम कुछ नहीं हुआ। बोला मोदी के वोट डाला है, वोट देवे जहाँ केंद्र पर। हाँ हाँ, का कुछ का काम करे है? हमने क्या बदलाव करे के पुरानका के हटावे के बाद। हाँ, का काम करे है दीदी? हाँ? का काम करे है? काम हमने का खेती बाड़ी के काम करके खाई ले। अच्छा, घर परिवार चल जाए उतना से? ना कैसे चले, जेने में गुजारा कटी ले सब। अच्छा, के परिवार में हथिन? बेटा बा, बेटी बा, मालिक बा। सब पढ़ लिख ले थीन? ना पढ़ा ले सन अभी। अभी पढ़ रहे? हाँ, वही था थीन। हाँ। का लगी थे अभी वोट डाला है तो महिला के काम मुद्दा अबरी गई? कुछ नहीं के महिला का कुछ नहीं कर ले सरकार, हमने का बड़ी बदलाव करे के बदलाव। हाँ, काहे बढ़िया ना है? ना ना, 5 किलो राशन देला से कथी हुई? हाँ, कुछ ना हो। आयुष्मान कार्ड ही सब बनलो है? कुछ ना बनल बा, मैंने कुछ नहीं के मिलल हमने के कुछ ना ना कुछ ना, सब झूठ मूठ के बना के हे देम हो देम, कुछ ना मिलल कुछ ना। जानी क्या हो गई देहात एरिया, अपना बस पालन पोषण बचा का दूसरा क्या यहाँ होगा, आमदनी क्या होता है, 100-200 रुपये कमाते हैं, उससे क्या होने वाला है, महंगाई चरम सीमा पे है, जो पेट्रोल था 70 रुपये आज मिला 110 रुपये, तेल आज 100 रुपये लीटर है। देखिए किसान का हम लोग बेटे हैं, यहाँ पानी के लिए बिजली भी था, यहाँ लाइन चुरा कर कटवा दिए, लेकिन फिर भी लाइन में यहाँ पर सुधार नहीं है, पूरा लाइन का यहाँ कभी भी नहीं मिला हम लोगों को, फिर मोटर से यहाँ पानी पटे। अच्छा। उसमें ट्रांसफार्मर भी चोरी हो गया। हाँ। बेदिया में उसमें भी कुछ नहीं हुआ। अच्छा। लोग कंप्लेन किया, अभी तक कुछ नहीं पता हम लोगों को लगा। बिहार में सुशासन की सरकार है? क्या सुशासन की सरकार है, जब चोरी बने नहीं है तो क्या सुशासन की सरकार है, यहाँ पर गोली मार दिया गया राजेश महतो को, क्या सुशासन की सरकार है यही? मुद्दा यही है कि हम लोग अपने बदलाव चाहेंगे, डॉक्टर राजेश कुशवाहा को भारी मतों से विजयी बनाए। हाँ। यही हम लोगों का ये थी है उम्मीद। बहुत बहुत
तो जैसा कि आपने सुना कि यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ बदलाव बहुत ज़रूरी है। बता दें कि लोगों ने यहाँ तक आरोप लगाया कि राधा मोहन सिंह 25 साल से सांसद हैं लेकिन आज तक हम उनको चेहरा तक के नहीं उनका देख पाए हैं। लेकिन अगर राजेश कुशवाहा यहाँ से जीतते हैं, अगर वो सांसद बनते हैं, तो हम लोगों को भरोसा है कि वह काम ज़रूर करेंगे। आप क्या सोचते हैं, अपना ओपिनियन जरूर कॉमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन मोतिहारी।